नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं हूँ कमरे में। दुकान में जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत सारी हो रही है। तो मैं आके कमरे में बैठ गई हूँ क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ पर कम से कम इन्वर्टर की लाइट है और पंखा चल रहा है। तो अभी मैं कर लेती हूँ वीडियो एडिट, क्योंकि वीडियो अभी नहीं डाला है मैंने क्योंकि अभी वीडियो नहीं डाला है। और आप टाइम आप देख सकते हैं 9:30 ही बज रहे हैं और यहाँ आके बैठ गई हूँ। नहाना धोना हो चुका है। सोच रही हूँ आज बालों में थोड़ा सा मेहंदी वगैरह है लगा लूँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, इसीलिए मैंने अभी कुछ बाल वाल कंघे नहीं किए हैं। तो गर्मी में वैसे भी मन नहीं कर रहा है और देखिए पसीने पसीने हालत ख़राब हो रही है। तो अभी मैं थोड़ी सी पंखे की हवा खाती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ और लगाती हूँ बालों में मेहंदी और फिर मिलती हूँ आपसे। बाकी फिर करेंगे अपना काम जो भी है हमारा बुटीक का। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं खाती हूँ हवा, करती हूँ वीडियो एडिट और हो सकेगा तो लगाऊंगी कलर, और नहीं होगा तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि गर्मी में हालत बहुत बेकार हो रही है। तो अभी मैं इतना काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। वीडियो एडिट करनी थी, वीडियो एडिट कर ली है, अपलोड कर दी है और यहाँ पर टाइम हो रहा है लगभग 10 बजने जा रहे हैं। तो मेहंदी भी लेके आ गई हूँ मैं और दोनों पैकेट इसमें इस तरह के निकलते हैं जो कि रिच क्रीम है और इसी को मिक्स करके लगा ले रही हूँ। गर्मी में ज़्यादा देर मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा है, अब मजबूरी है लगाने क्योंकि हालत बहुत बेकार हो रही है। तो यहाँ पर दोनों पाउच को मैं कट कर ले रही हूँ, कट करने के बाद में मिक्स कर ले रही हूँ। और यहाँ चल रही है हमारी दीदी से कॉल जो कि स्पीकर पर चल रही है और मम्मी को कहीं जाना है तो मम्मी तो जा रही है, अभी मैं करती हूँ बात। और हाथ तो मेरे बिजी है लेकिन स्पीकर पे डाल दिया है तो हमारी बातें भी चल रही हैं, हमारी कॉल भी चल रही है। तो मेरा शेड्यूल कुछ इसी तरह से हो जाता है कभी कभी का कि जो दुकान का काम होता है, बुटीक का काम होता है वो नहीं हो पाता है, और अगर घर में लग जाती हूँ तो घर में ही इतने काम हो जाते हैं कि उसी को ही करने में लग जाती हूँ। तो अभी एक बार सुबह मैं नहा ली हूँ, अभी कलर लगाऊंगी तो फिर दोबारा से नहाना होगा और इतनी देर मुझे वेट करना होगा। दुकान में तो जाके कोई काम कर नहीं सकती हूँ क्योंकि बाय मिस्टेक अगर कपड़े से टच हो गए किसी तो फिर उसमें भी कलर आ जाएगा। तो अभी के लिए जब तक मैं मेहंदी लगाऊंगी और मेहंदी जो सूख नहीं जाती है, कलर सूख नहीं जाता है और वॉश नहीं हो जाते हैं, बालों को धुल नहीं देती हूँ, तब तक फिर मैं अपने घर का ही काम करूँगी और कपड़े वगैरह जो रह गए हैं वो साफ सफाई जो रह गई है। और जब मैं सिर में मेहंदी लगाती हूँ या सिर धुलती हूँ तभी मेरी बाथरूम की और टॉयलेट वगैरह की जो साफ़ सफाई होती है उसी दिन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा का टाइम नहीं मिल पाता है। और सुबह जब जल्दी नहाती हूँ तो फिर सुबह में काम की ही इतनी जल्दी रहती है तो फिर मैं ये सारे जो काम होते हैं वो नहीं करती हूँ। अभी हफ्ते में या तो संडे का दिन होता है या फिर मैं जिस दिन मेहंदी वगैरह लगाती हूँ तो उतनी देर के लिए मुझे वेट करना होता है। अभी वेट करूँगी तो उतनी देर और क्या काम करूँ, तो फिर ये सारे जो काम होते हैं ना मैं उसी टाइम पर कंप्लीट कर ले रही हूँ। और अभी देखिए यहाँ पर दोनों पैकेट को मैंने इस तरह से ओपन करके यहाँ पर मिक्स कर लिया है और बालों में लगाती हूँ मेहंदी। साथ ही साथ हमारी दीदी से कॉल भी चल रही है। गर्मी इतनी सारी हो रही है कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बालों को खोलने का, लेकिन क्या करें मजबूरी है। और अब जाती हूँ मैं बाहर फटाफट से, इसमें मेहंदी लगा के आती हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने लगा ली है बालों में और इतनी ज़्यादा गर्मी में हालत हो रही है कि पूरा पसीने पसीने हो रही हूँ। और यहाँ से फटाफट से मैं बालों को रोल कर ले रही हूँ, उस पर लगा ले रही हूँ क्लेचर। क्लेचर लगाने के बाद में अब चलती हूँ मैं साफ़ सफ़ाई करती हूँ। साफ़ सफ़ाई करने के बाद में जितना भी जो काम है उसको मैं फिनिश करूँगी, फिर नहा के बालों को वॉश करके फिर मिलती हूँ। और ये टॉवल जो है ये मैंने इसीलिए रखी हुई है, कलर लगाती हूँ तभी मैं इसी टॉवल से बालों को धुलती हूँ कि जिससे कि जो और टॉवल हैं या फिर और कपड़े हैं उस पर वो कलर नहीं आए। थोड़ी देर बैठ के खाती हूँ हवा, हवा खाने के बाद में सारे जाके काम करूँगी और फिर नहा के नहाने धोने के बाद में आके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, इसको फेंक के। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ, बाल वाल मैंने धुल लिए हैं। टाइम देख सकते हैं आप कितना बज रहा है, 1:45 बज रहे हैं। यहाँ मेरी चाय बन गई है और लाइट अभी भी नहीं आ रही है। मैंने लगा रखा है इन्वर्टर तो दुकान में नहीं जाऊंगी और मैं खाऊंगी खाना, तो मैं खाना लगाती हूँ। यहाँ मैंने लगा लिया है खाना और बनी है आज तुरई और मैंने ले ली है रोटी और साथ में है मेरी चाय। तो अभी मैं फटाफट से खाना खाती हूँ। वीडियो मैंने एडिट कर ली थी, एक्सपोर्ट भी हो गई लेकिन अपलोड भी हो गई, अभी पब्लिक नहीं किए हैं। तो अभी मैं खाना वाना खा लूँ, उसके बाद में रखती हूँ वीडियो के काम में। और टाइम बहुत सारा हो गया है, देखो आज क्या काम हो पाता है। गर्मी अपना हाल दिखा रही है, लाइट अपने ड्रामा दिखा रही है, काम अपना है। मुझे तो लगता नहीं है आज कोई काम हो पाएगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए तो खाना खाती हूँ, पहले खाना ज़रूरी है, बाकी काम बाद में करते हैं। आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए।
रोटी तो खाना खा लिया, लेकिन लाइट का पता नहीं है और सवा दो हो रहे हैं, तो यहाँ कंघी कर ले रही हूँ मैं, अपने बाल वाल को काट ले रही हूँ। कितनी देर बैठूंगी, क्योंकि सोलर पैनल है तो पैनल भी मतलब इन्वर्टर भी इतनी देर चलेगा नहीं, और चल भी जाएगा तो फिर मुझे रात में दिक्कत होगी, तो अभी मैं बाल कंघी करती हूँ। मैं कंघी कर रही थी वैसे ही आ गए मेहमान, और अब बना रही हूँ मैं यहाँ पर चाय, और बारिश का मौसम हो रहा है, खूब तेज़ तेज़ बारिश हो रही है, देखिए कितनी प्यारी प्यारी। तो मैं बनाती हूँ चाय, देखते हैं आज कुछ काम होगा या नहीं होगा, मुझे तो लगता नहीं है आज मैं कुछ काम कर पाऊँगी। सोचा था कि हाँ चलो अब फ्री होके कुछ काम करूँगी, सिलाई वगैरह करूँगी, सुबह से तो लाइट ने परेशान कर दिया, फिर मैं खुद नहीं फ्री हुई, अभी सोचा था चलो अब कर लेंगे। तो अभी बनाते हैं हम चाय फटाफट, और चाय बना के चाय पीते हैं, मैंने तो चाय भी पी थी, तो मेहमान को तो बनानी है, और फिर मिलती हूँ आपसे चाय, तब तक मेहमान चले जाए फिर कुछ करती हूँ, तब दिखाती हूँ आपको। मेहमान जाने के इंतज़ार में पूरा दिन ख़त्म हो गया मेरा, शाम को 6 बजे जाके मेहमान गए हैं। अब 6 बजे क्या सिलाई मैं करती, क्या कुछ करती, तो मैंने कोई सिलाई वगैरह आज नहीं की है, फिर मैं खाने वाने में लग गई, घर के ही कामों में लग गई, फ्री होके अब मैं लगभग 8:30 बज चुके हैं। तो अभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था बुटीक चैनल के लिए, और मुझे कुछ अपने आप के लिए भी कुछ सामान बनाना था, तो मैंने सोचा सिलाई तो नहीं करूँगी, लेकिन अभी मैं इसको तैयारी कर ले रही हूँ। और इसकी तैयारी करने के लिए देखिए मैंने बनाया है ये छोटा सा हमारा DIY बैग, इसका फुल डिटेल वीडियो आपको मेरे बुटीक चैनल पर मिल जाएगा, कल अपलोड कर दिया है मैंने, और ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से 5 से 6 पीस कट किए हैं, सेम साइज़ के हमने शॉपिंग बैग ले लिए हैं, और शॉपिंग बैग को इसके ऊपर से मैं रखते हुए यहाँ पर मैं क्विल्ट कर ले रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पर इसको बनाना बताया है, तो एक बार आप जाके वीडियो को ज़रूर देखिएगा किस तरह से मैंने छोटा सा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ में लेस को रखने के लिए मल्टीपर्पज़ बैग बना के बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप ज़रूर देखिएगा। सिलाई के साथ साथ हमारे घर के में इतने सारे सामान हो जाते हैं कि उनको ऑर्गेनाइज़ करना दिक्कत हो जाती है, और उसके लिए हमें चाहिए होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र, छोटे छोटे बैग, और छोटे छोटे हमें पाउच चाहिए होते हैं। तो सिलाई के बीच से बचे हुए कपड़ों को मैं रीयूज़ करते हुए इस तरह से बीच बीच में पाउच बना ले रही हूँ, जिससे कि मुझे भी हेल्प हो जाए इनको सामान को रखने में, और आप लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो आप जाके देखिएगा और उसके बाद भी मुझे बताइएगा कि आपको ये बैग और ये पाउच आपको कैसे लगे, पसंद आए हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बुटीक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बुटीक चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि बिना माइक के इतनी अच्छी आवाज़ आती है क्या, तो बिल्कुल डिया, मेरे फ़ोन में तो आपको इसी तरह की बिना माइक के ही आवाज़ मिलती है, और मेरी जितनी भी वीडियो होती हैं बिना माइक के ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ, डायरेक्ट रिकॉर्ड करती हूँ तो भी बिना माइक के ही होती हैं, और अगर मैं वॉइस ओवर वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ तो भी बिना माइक के होती हैं। तो मेरे फ़ोन में तो कभी मैंने माइक को यूज़ नहीं किया है, हाँ कभी कभी ईयरफोन को मैंने पहले यूज़ किया था, लेकिन ईयरफोन को यूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत लगती है, तो मैं अभी के लिए तो कोई भी ईयरफोन यूज़ नहीं करती हूँ, कोई माइक का यूज़ नहीं करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। किसी और ने मुझे ये क्वेश्चन किया था कि क्या मैं अपनी वीडियो को कैमरे से रिकॉर्ड करती हूँ, तो नहीं डियर, मैं अपने वीडियो को कैमरे से रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, सिंपल से फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ, फ़ोन से ही एडिट करती हूँ, और फ़ोन से ही अपलोड करती हूँ, जो भी उसमें प्रोसेसिंग होती है सारा कुछ मैं फ़ोन से ही करती हूँ। तो मैं फ़ोन से ही एडिट करके आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करती हूँ, और कैमरे से कोई भी मैं वीडियो एडिट नहीं करती हूँ, मतलब कैमरे का यूज़ नहीं करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नीलम जी का एक सवाल मेरे से था कि मुझे कटिंग काउंटर सेट किया है मैंने, उस पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ कपड़े कटिंग करने में, या फिर नीचे बैठ के कंफर्टेबल रहती हूँ। तो नीलम जी देखिए, काउंटर बनाने के बाद में मुझे ज़्यादा आसानी रह गई है काउंटर पर कटिंग करने में, और बहुत ईजिली मैं उस पर कटिंग कर लेती हूँ। तो आप भी अपने बक्से को काउंटर बना सकती हैं। और ये देखिए, मैंने ये DIY बैग जो है ये शेयर किया था आपके साथ में बुटीक चैनल पर, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा ये बैग बन के तैयार हो चुका है, और इसमें मैंने अपनी ढेर सारी लटकन को रख लिया है ऑर्गेनाइज करने के लिए, और बहुत सारा इसमें स्पेस बाकी है। अगर आपने इसका डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो आप बुटीक चैनल पर जाके देख सकते हैं। और नीलम जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो आप देख सकते हैं मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं वो इसी काउंटर पर ही होते हैं, कटिंग होती है वो भी मेरी इसी पर रहती है, और मेरी जो वीडियो होती है वो भी इसी पर रहती है। पहले मुझे नीचे बैठ के जो अपनी वीडियो को शूट करना होता था, तो थोड़ा सा कैमरे का सेटअप भी रहता था, और बार बार उठने बैठने की भी दिक्कत होती थी, और
मेरे यहाँ तो वैसे भी जगह की थोड़ी सी दिक्कत है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा आसानी रही है इस काउंटर को सेट करने में, इसको बनाने में, और बहुत ही कम टाइम में मेरी कटिंग भी हो जाती है और स्टिचिंग भी हो जाती है। क्योंकि मुझे अगर कटिंग करनी होती थी तो सबसे पहले वहाँ पर इतनी जगह बनानी पड़ती थी, और जगह बनाने के बाद में फिर मुझे मशीन को सेट करना पड़ता था। तो अभी मेरी वो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आपको भी अगर देखिए नीचे बैठ के कटिंग करने में दिक्कत होती है तो आप इसी तरह से मेरी तरह बक्से को सेट कर सकते हैं एज अ काउंटर। और यहाँ पर देखिए अभी मैंने इसमें ढेर सारे आपको कपड़े रख के दिखा दिए हैं, तो एक छोटे से ऑर्गेनाइजर से मैंने कितना सारा काम कर लिया है। यहाँ पर इतना सारा मेरा स्पेस यहाँ पर बच गया है, कपड़े सेट हो चुके हैं और मेरी यहाँ पर जितनी भी लटकन थी वो यहाँ पर हो चुकी हैं। तो दिन तो मेरा यहाँ पर चला गया था, इसी तरह से कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन रात में मैंने अपने लिए एक छोटा सा यहाँ पर ऑर्गेनाइजर बना ही लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ मेरा ये DIY वाला जो बैग है, पर्स है, पाउच है, जो भी आप बोलना चाहे वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। डिटेल वीडियो के लिए आप ममता बुटीक चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी तरह की और वीडियो के लिए। डेली रूटीन मेरा कैसा रहता है, क्या क्या आपको सिल्के में दिखाती हूँ, किस तरह से अपना काम करती हूँ, किस तरह से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।